हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि इंडसइंड बैंक का एक बहुत पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ये क्रेडिट कार्ड हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देख करके बताइएगा कि ये क्रेडिट कार्ड किस कैटेगरी में आएगा। मुझे तो लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड सेमी प्रीमियम कैटेगरी में आना चाहिए है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ये आप बता दीजिएगा वीडियो देख करके पूरा अच्छी तरह से, और ये भी बताइएगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा। अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक अनोखे तरह से रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ये आपको स्पेंड वाइज मिलेंगे, अलग अलग इसके लिए स्लैब्स बनाए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसमें हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 1,00,000 रुपये तक खर्च हो जाए तो ऐसे में हर 100 रुपये खर्च होने पे मिलेगा 1 रिवॉर्ड पॉइंट। मतलब कि साल भर में अगर इस क्रेडिट कार्ड से 1,00,000 रुपये खर्च किया गया हो तो हर 100 रुपये के खर्चे पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। वहीं पे अगर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाता है साल भर में, और 2,50,000 रुपये तक का ये खर्चा होता है, 1,01,000 रुपये से लेकर के 2,50,000 रुपये तक, तो ऐसे में हर 100 रुपये खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से। और फिर इस क्रेडिट कार्ड से अगर 2,50,000 से ऊपर, जैसे कि 2,50,001 रुपये से लेकर के 5,00,000 रुपये तक खर्च हो जाए, तो ऐसे में हर 100 रुपये खर्च होने पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर इस क्रेडिट कार्ड से 5,00,000 से ऊपर अगर खर्च हो साल भर में, तो ऐसे में 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो ईयरली स्पेंड्स होते हैं उनका स्लैब बनाया गया है। एनुअल जो स्पेंड्स होंगे इस क्रेडिट कार्ड से उनका स्लैब बनाया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और ये बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे स्पेंड्स बढ़ते रहेंगे। आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ये मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे, और 5,00,000 रुपये से ऊपर के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सभी पे आपको हर 100 रुपये खर्च होने पे 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे इसको दर्शाया गया है कि आप कैसे कितना खर्चा करेंगे तो आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, और रिवॉर्ड पॉइंट्स की यहाँ पे वैल्यू भी बताई गई है। 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी अगर आप उसको एयर माइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1.2, और अगर उसको आप कैश में रिडीम करते हैं तो ऐसे में 40 पैसे के बराबर होगी 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू। और आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को, जो इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, उनको indusmoments.com वेबसाइट से जाकर के रिडीम कर सकते हैं, और वहीं से चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम्स मिलेंगे, या फिर आप चाहें तो गोल्फ लेसन्स भी ले सकते हैं, और इनकी जो वैल्यू हो जाएगी वो टोटली हो जाएगी कुल 16,000 रुपये की, क्योंकि एक गोल्फ गेम की जो वैल्यू होगी या फिर गोल्फ लेसन की वो 4,000 रुपये होगी। तो अगर आप इसको अवेल करते हैं तो ऐसे में आप साल भर में 16,000 रुपये तक का फ़ायदा इससे उठा सकते हैं। इसके अलावा हर 6 महीने में 500 रुपये का आपको मूवी टिकट वाउचर मिल जाएगा बुक माई शो से, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, मतलब फ्री मिलेगा, मतलब आपको साल भर में इससे भी 1,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। तो अगर एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की कीमत निकाली जाए तो वो होगी $14। तो मतलब ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, आपको $14 पे नहीं करने होंगे, बस वो जो है नॉमिनल एक फ़ी कटती है आपके क्रेडिट कार्ड से, और उसके बाद जो है आप आसानी से एयरपोर्ट के लाउंज में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप साल भर में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फ़ायदा उठा लेते हैं तो ऐसे में आपको कुल 9,184 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा इससे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है, और इसकी भी जो वैल्यू होगी पर लाउंज एक्सेस की वो होगी $27। लेकिन आपको ऐसा मतलब पे नहीं करना होगा, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, बस नॉमिनल चार्ज आपको देना होता है, मतलब बहुत ही कम चार्ज होता है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको देना होता है। जैसे रुपये वाले तो सिर्फ 2 रुपये ही लेते हैं। तो अगर आप साल भर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फ़ायदा उठाते हैं तो ऐसे में आपको साल भर में 4,428 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। फॉरेक्स मार्कअप फी, जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी कहते हैं, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप इस तरह का ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपको 3.5% चार्ज के बजाय 1.5% ही चार्ज देना होगा, 1.5% चार्ज देना होगा। इसके अलावा 400 रुपये से लेकर के 4,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शंस पे आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड पे टोटल प्रोटेक्शन कवर भी मिलता है, जो कि क्रेडिट कार्ड को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन से, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन से, क्योंकि अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन हो जाए
तो इसकी जो भरपाई होगी ये इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाएगी। तो आपको एक तरह से फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन कवर मिल जाता है इस क्रेडिट कार्ड के साथ में। और 25 लाख का एयर इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसको कि एयर एक्सीडेंट कवर कहा जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको कंसीयर्ज सर्विसेज भी मिलती हैं, जैसे कि प्री ट्रिप असिस्टेंस, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स, कार रेंटल, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट बुकिंग्स, इवेंट बुकिंग्स, फ्लावर एंड गिफ्ट डिलीवरी। इसके अलावा आपको ऑटो असिस्ट सर्विस भी दी जाती है, जैसे कि रोड साइड रिपेयर सर्विस है, इमरजेंसी फ्यूल सप्लाई है, फ्लैट टाइप सर्विसेज है, कीज लॉक्ड इनसाइड है, बैटरी सर्विसेज है। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए है 60 साल। और आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन इसके बगैर क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इसमें EKYC वेरिफिकेशन भी होता है आधार OTP के ज़रिए से, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है। वैसे तो इंडसइंड बैंक के किसी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या फिर आप कह लीजिए कि एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट होती है 20,000 रुपये, बट इस क्रेडिट कार्ड के लिए ज़्यादा होगी। 30,000 से ऊपर अगर इनकम है तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा सकता है और ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए है, एटलीस्ट सिविल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। और अब आइए बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में लिंक दे रखा है, आप चाहे तो हमारे दिए गए लिंक के जरिए से ये क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में। और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने को लेकर के कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में भी मदद करेंगे। और जब आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो हम आपको अपनी तरफ से गिफ्ट भी देंगे। और अगर आप चाहें तो इस क्रेडिट कार्ड को इंडसइंड बैंक की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना है और उसके बाद आपको आना है यहाँ पे मेन्यू वाले ऑप्शन में, आपको जो ऊपर कॉर्नर पे 3 लाइंस मिल रही हैं इस पे टैप करना है, फिर उसके बाद आपको आना है पर्सनल वाले ऑप्शन पे, फिर उसके बाद आपको जाना है प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पे, फिर उसके बाद आना है कार्ड्स वाले सेक्शन पे, फिर क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको आना है। फिर आपको इसमें काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे इंडसइंड बैंक के, जो पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं खास करके, वो क्रेडिट कार्ड्स आपको सामने देखने को मिलेंगे। तो इसी में आपको इंडसइंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं इनके, ये रहा इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड, और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप टैप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का एक पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर, मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है कि इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। जो भी इस वीडियो से रिलेटेड वीडियोज़ होंगे वो सारे आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और अब आइए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, कोई भी एनुअल फ़ी नहीं है, ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। क्या ज़बरदस्त क्रेडिट कार्ड है ये। और फाइनेंस चार्ज, जिसको कि इंटरेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, ये तभी चार्ज लिया जाएगा जब क्रेडिट कार्ड से या तो कैश निकाला गया हो या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है उस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करके बल्कि लेट कर दिया गया हो। ड्यू डेट अगर गुजर जाए, लास्ट डेट अगर गुजर जाए, तो ऐसे में इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। अदरवाइज अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्चे करके और क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर कर देते हैं, जो कि इंडसइंड बैंक में आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, तो इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर कर देंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना होगा, कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। तो इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए, तो ये होगा 3.5% मंथली, मतलब कि महाना ये 3.5% होगा। और अगर एनुअली के बारे में बात करी जाए, मतलब सालाना इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करी जाए, तो ये होगा 42%। ये तभी लिया जाएगा जब क्रेडिट कार्ड से या तो कैश निकाला गया हो या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया गया हो, अदरवाइज ये चार्ज नहीं लिया जाता है। लेट पेमेंट चार्जेस, ये चार्ज भी तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया जाए और पेमेंट को लेट कर दिया जाए।
तो ये चार्ज होगा 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक। देखिए अगर क्रेडिट कार्ड के बिल का बकाया 100 रुपये तक है तो ऐसे में इस पर सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ही लग सकता है, इस पर लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर बकाया इससे ज़्यादा है तो ऐसे में इस पर लेट पेमेंट चार्ज भी लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज भी लगेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने क्रेडिट कार्ड के बकाया पे आपको कितना लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ सकता है। ये 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकता है। ओवर लिमिट चार्ज, ये चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिया गया हो। तो ये चार्ज होगा 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मतलब जितना हम क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट में स्पेंड करेंगे उसी के 2.5% ये चार्ज होगा। ये चार्ज लेकिन मिनिमम लिया जाता है 500 रुपये, और अगर चेक रिटर्न हो जाए तो ऐसे में 250 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। चेक अगर बाउंस हो जाए तो 250 रुपये का चार्ज होता है। क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट करते हैं और उससे पेमेंट नहीं हो पाता है, वो चेक बाउंस हो गया, तो ऐसे में 250 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। कैश एडवांस फी, अगर क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया जाए ATM पर विजिट करके तो ऐसे में इसके लिए हमसे फ़ी ली जाती है, और ये फ़ी होगी 2.5% ऑफ द कैश विदड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना कैश निकालेंगे उसी के 2.5% ये फ़ी ली जाएगी, और ये फ़ी होगी कम से कम 300 रुपये। तो हमें अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विदड्रॉल को अवॉइड करना चाहिए है, क्योंकि इस पर कैश एडवांस चार्ज लिया जाता है जिसको कैश विदड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, और साथ ही साथ इस पर इंटरेस्ट चार्ज भी होता है। तो इसलिए कैश विदड्रॉल को अवॉइड करना चाहिए क्रेडिट कार्ड से पूरी तरह से। और अगर इंडसइंड बैंक के ATM के अलावा किसी दूसरे बैंक के ATM से बैलेंस इंक्वायरी कर लेंगे तो ऐसे में 25 रुपये का चार्ज होगा। तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन बैलेंस इंक्वायरी चेक करें, मतलब ये सब अगर करना भी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इनका मोबाइल बैंकिंग ऐप आता है, इंटरनेट बैंकिंग है, बहुत सारे ज़रिए होते हैं उनसे आप कर सकते हैं, या फिर आप इंडसइंड बैंक के ATM पे विज़िट करके बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। और कैश पेमेंट अगर करते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, ब्रांच कैश ले जा करके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करेंगे तो 100 रुपये का चार्ज इसके लिए लिया जाएगा। तो बेहतर है कि हम क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से करें जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है, बल्कि हमें फ़ायदे हो जाते हैं। आजकल अलग अलग ऐप्स आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए, तो उनसे तो हमें फ़ायदे ही हो जाते हैं। और 3 महीने से पुराना अगर डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेते हैं तो ऐसे में उस पर चार्ज होगा, हर स्टेटमेंट का 100 रुपये चार्ज देना होगा। यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल स्टेटमेंट की, डिजिटल स्टेटमेंट की नहीं, वो फ्री होता है। और कार्ड को री इशू या फिर रिप्लेस कराने पे 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और अगर चार्ज स्लिप लेते हैं ताकि आप पता कर सकें कि आपके क्रेडिट कार्ड से कब कब कहाँ पे कितने चार्ज लिए गए, कैसा चार्ज लिया गया, तो ऐसे में इसके लिए 300 रुपये का चार्ज होगा चार्ज स्लिप रिक्वेस्ट करने का। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने पर भी 100 रुपये की फ़ी ली जाएगी। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी यानी कि फॉरेक्स मार्कअप फ़ी है 1.5%, मतलब कि 1.5%। और डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन चार्ज है 1%। ये तब लिया जाता है जब मर्चेंट इंडिया में ही हो लेकिन वो रजिस्टर्ड हो किसी दूसरे देश में, ओवरसीज रजिस्टर्ड हो मर्चेंट लेकिन हो इंडिया में ही, तो ऐसे में ये चार्ज लिया जाता है किसी दूसरी करेंसी में अगर ट्रांजेक्शन किया जाए तो। और रेंट पेमेंट करने पर 1% की फ़ी ली जाती है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के ज़रूरी फीस और चार्जेस। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सभी पे अभी के टाइम में 18% GST लिया जाता है, मतलब सभी पे GST लिया जाता है और ये GST रेट अभी के टाइम में 18% है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। और अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त लगा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है, और इस क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो आपको गोल्फ के लेसन या फिर जो गेम्स मिल रहे हैं वो आपको बेनिफिट मिल रहा है। मूवी का टिकट आपको 6 महीने में मिल जा रहा है 500 रुपये का, और आपको इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल ही रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, और इंडसइंड बैंक का रिवॉर्ड सिस्टम भी अच्छा होता है और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी इसमें ज़बरदस्त मिल रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये क्रेडिट कार्ड जल्दी से लोगों को मिल नहीं पाता है, बट हाँ जिनका सिविल स्कोर बहुत स्ट्रांग होता है और जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स मौजूद होते हैं तो उनको मिल सकता है। जिनकी सैलरी हाई होती है या फिर बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो उनको भी मिल सकता है। तो बाकी सब रेप्यूटेशन पे है कि आपकी रेप्यूटेशन बैंक की नज़र में कैसी है, उसी हिसाब से आपको बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो ये क्रेडिट कार्ड था इंडसइंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये क्रेडिट कार्ड कमेंट करके फटाफट बताइएगा। और अगर आपको अप्लाई करना हो तो हमने आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखे हैं। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहें तो ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा इंडसइंड बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।